हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 4। अभी तक आपने पार्ट नंबर 3 में संयोजकता पढ़ा है और 1 से 30 तक के तत्व आपने पढ़े हैं, क्योंकि जब आपको एलिमेंट्स नहीं पता होगा तो आपकी जो अभिक्रिया बनेगी वो फिर आप नहीं बना पाओगे जब तक आपको तत्व नहीं याद होंगे। मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आपको मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ऑक्सीजन जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है, यही सारी बातें आपको इस वीडियो में आज सीखनी है। रासायनिक गुण धातुओं के सीखने हैं। अभी तक आपने धातु का वायु के साथ दहन पढ़ा था, आज यहाँ पर कुछ टॉपिक थे उभयधर्मी ऑक्साइड को पढ़ा था। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो एनोडीकरण आता है, इस पर कुछ हम चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर रासायनिक गुण के और गुण जो हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कोई भी आप अगर 20 से देखते हो तो फिर आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि आप जब भी, जैसे पार्ट नंबर 4 है तो आप पार्ट नंबर 3 को जरूर देख लें, जिससे कि आगे की कहानी जो है वो आपके समझ में आती रहे, नहीं तो फिर 20 से अचानक आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्लीज लास्ट के वीडियो को, जो तीसरा वीडियो है, दूसरा है, उसे जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आपका टॉपिक है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको कहना है ए से एनोडी, ए से एल्यूमिनियम, ये याद करना कि किसकी परत चढ़ाएंगे। तो परिभाषा को देख लेते हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम पर मोटी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एल्युमिनियम की एक चादर है इस तरह से, और जैसे आपने लोहा देखा होगा तो लोहे में जंग लग जाती है। जंग लगती कब है, जब लोहा जो है वो नमी पाता है, वायु के संपर्क में आता है, नमी पाता है, जल से क्रिया हो जाती है, तब उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, जिसको संक्षरण बोलते हैं, पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये परत हो गई, तो क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, तो इसको क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम को सुरक्षित रखने के लिए, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने देने के लिए, हम इस पर क्या करेंगे, इस तरह से एक परत चढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं, ये जो परत होती है वो आपकी एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। तो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के जो इसे क्षति पहुंचाता है वो नहीं हो पाता है, उससे ये क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक, सुरक्षा प्रदान करती है। रिएक्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, नमी पाता है तो बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये परत है, इस पर क्या करते हैं, और इसी को, इस टोटल प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। क्या बोलेंगे, एनोडी एनोडीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देख लो, एग्जाम्पल का बहुत ही महत्व होता है, आप परिभाषा लिखते हो, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखते हो तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर ये 4-3 से आप कंफ्यूज मत होना, ये हमने समीकरण को संतुलित करने के लिए बनाया है, और हमने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि देखो यहाँ पर Al2 बन रहा है और ऑक्सीजन 3, ये बना कैसे ये थोड़ा देख लें। देखो आपको पता है कि जो एल्युमिनियम होता है ये बना कैसे, Al2O3 हुआ कैसे, ये समझते हैं। जैसे ए होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 3, मतलब कि ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो एल्युमिनियम पर हो जाएगा +3 चार्ज। ऑक्सीजन का अगर हम निकालें तो ऑक्सीजन 8 होता है, 2, 6, मतलब कि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 2 है, मतलब कि ऑक्सीजन पे होगा। तो ये क्या करेगा, इधर से तिर्यक गुणा होगा और बनाएगा Al2O3, इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, तो बन जाएगा Al2O3। ठीक, तो ये हो गया और ये बन गया। तो आपको पता हो गया कि ये सूत्र आया कहां से। अब देखो यहां पर जो था आपका Al2 था और आपके पास Al था, तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम 2 लिखते हैं तो एल्युमिनियम 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 और यहां पर लिख देंगे 2, तो 2 × 4, ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, तो यहां पर हम लिख देंगे 3, 3 × 6, ऑक्सीजन हो गया 6, एल्युमिनियम हो गया 4, एल्युमिनियम 4, इसलिए हमने यहाँ पर 4 और 3 और 2 लिखा था। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को दिखा सकते हो। यही आपने पढ़ा है कि एल्युमिनियम पर मोटे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में एनोडीकरण जो है वो आ गया होगा। तो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। देखो कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते हैं कि क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप सीधा लिख सकते हो कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऊष्मा निकलता है। ये हो गया। अगला कि क्या होता है जब धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप कह सकते हो कि जब धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए इसकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे धातु है, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम सोडियम ले, Na, सोडियम हो गया, किससे अभिक्रिया करानी है, जल से अभिक्रिया करानी है। अब सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Na2O। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, और इस पे 1 पावर होगी, ऑक्सीजन पे 2 पावर होगी, तो ये 2 पावर इधर जाएगी, तो इसीलिए Na2O हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर उसके बाद हम देखेंगे बचा क्या, O चला गया तो बचा क्या, H2 हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा निकलेगी बहुत अधिक मात्रा में, क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जब क्या होता है, पूछता है क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप लिखोगे कि जब धातु, कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया के पश्चात धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऊर्जा बनाता है। और उसमें आपको एग्जाम्पल कोई भी धातु ले लो, सोडियम हमने लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, तो उसकी अभिक्रिया आपको जल से करानी है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा। तो धातु का ऑक्साइड ले लेते हैं, तो कहीं हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, धातु का ऑक्साइड बना, इसी को उठा के इधर रख दो, Na2O धातु का ऑक्साइड बन गया, जल बन गया। अब गेस करो क्या बन सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो बनाएगा NaOH, क्या बनाएगा, NaOH। ठीक, अब यहाँ पे देखो संतुलित नहीं है, Na2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, Na2 भी हो गया, O2 भी हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऑक्सीजन है 2, इसके लिए भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2, तो बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनाएगा कि जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। और अब हम समझते हैं इसके आगे जो पॉइंट है वो धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या है, किस आधार पर कोई तत्व किसी तत्व को आगे पीछे कर देता है या विस्थापित कर देता है। आपने
पहले चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि वह धातु जब जब कोई धातु किसी कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसी क्रियाशीलता को आगे के वीडियो आगे के पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो हम धातुओं की क्रियाशीलता को समझ लेते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वह अधिक क्रियाशील होता है और जो उससे नीचे आते हैं वो कम क्रियाशील होते हुए चले जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील वाले को ऊपर रखते हैं। तो पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे तत्व हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं। ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस धातु का नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दो धातुएं ऐसी हैं पोटेशियम सोडियम, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, उसके बाद है हमारा कैल्शियम। रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया तो होती है लेकिन उसकी जो गति है वो धीमी होती है, धीमी गति से करता है। रिएक्शन तो कर देता है लेकिन वो क्या है, धीमी गति से करता है। मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ नहीं करता है, ये आपको याद कर लेना है। मैग्नीशियम ठीक एम आ रहा है गर्म, तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीन तत्व हैं एल्युमिनियम जिंक और आयरन, ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिंक हो गया। तो ये क्या है, ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। ऊपर वाले क्या है, अधिक क्रियाशील, नीचे वाले कम क्रियाशील। PbCuAg ये ऐसे तत्व हैं जिनके बीच कोई रिएक्शंस नहीं होती है, नो रिएक्शंस होता है। अच्छा, इसी में अभिक्रियाशीलता थी इनकी कि अभिक्रियाशीलता में आपने ये पॉइंट पढ़ लिए कि आपको क्या क्या जो है याद करना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसमें धीमी होती है किसमें तेज होती है। और इसी में सक्रियता श्रेणी की बात आती है, दो पॉइंट उसके भी समझ लेते हैं सक्रियता श्रेणी की। अब देखो इसमें पढ़ लेते हैं हम सक्रियता श्रेणी क्या होती है, मतलब कि कौन अधिक सक्रिय होगा कौन कम सक्रिय होगा। तो उसके बीच जो सक्रियता श्रेणी होगी उसी के आधार पर हम तत्वों को सजाते हैं, तो वही क्या है, एक सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो इसमें लिखा है कि धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता, अभी आपने क्रियाशीलता इसके पहले पढ़ा, तो क्रियाशीलता जो अधिक क्रियाशील है वो ऊपर होते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो चार पॉइंट हैं ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट हैं। हमने इन दोनों के बीच में तुलना की तो देखा कि ए ज्यादा क्रियाशील है, ठीक। फिर हमने इससे सी और डी के बीच तुलना की तो देखा कि जो डी है वो ज्यादा क्रियाशील है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे और रिजल्ट क्या आता है, डी। इसका मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, डी है। क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि इसमें भी तुलना की तो ए निकला, इसकी तुलना की तो डी निकला, और जब इन दोनों की तुलना की तो आया क्या, डी आ गया। तो इस तरह से इसमें ये क्या हो गया, ये ज्यादा क्रियाशील हो गया। और इसमें फिर अगर हम बात करें कि ए है बी है और बन रहा है सी, ए है बी है और कोई रिएक्टेंट है जो बन रहा है सी, तो इस तरह से आप सक्रियता श्रेणी निकाल सकते हो। मतलब कि अगर ये यहाँ पे बना है तो इन दोनों से ये सक्रिय होगा, अधिक क्रियाशील होगा। इसी में एक पॉइंट आता है कि क्या होता है जब, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है जब, ये कोई एग्जांपल नहीं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सक्रियता को किस तरह करेंगे। तो इसमें आपका एक पॉइंट है कि जब धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है
तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, तो आप लिखोगे कि अभिक्रिया के पश्चात लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्वेश्चन इस तरह बहुत पूछता है, क्या होता है जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के पश्चात आपका लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो धातु आप ले लो, सोडियम ले लिया हमने, अम्ल की बात कर रहा है, तनु अम्ल मतलब कि ज्यादा क्रियाशील अम्ल ना हो, तो हम HCl लेंगे, HCl लेंगे, अब क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा, लवण बनाना है तो NaCl बनेगा और बन जाएगा H2। ठीक, हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2NaCl कर देंगे, 2NaCl और 2HCl। देखो दो हाइड्रोजन, दो सोडियम, क्लोरीन भी क्या है, दो। इस तरह से ये आपकी अभिक्रिया जो है, उदाहरण जो है वो सही है। इसी में एक पॉइंट और आता है, रेक्वा रेजिया ये क्या होता है वो आप समझ लीजिए, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, उसके बाद फिर आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि रेक्वा रेजिया किसे कहते हैं या अम्ल राज से आप क्या समझते हैं, इसी को अम्ल राज भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेक्वा रेजिया तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्या होता है, परिभाषा देख लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा समझाते हैं आपको। लिखा है ये 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है जो सोने को गला सकता है। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, 3:1 मतलब कि HCl का अनुपात क्या होगा और यहां पर HNO3 इस मात्रा में मिला होगा और इन दोनों के ताजे मिश्रण को हम कहते हैं अम्लराज। क्या बोलेंगे, अम्लराज। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आपके घर पर कोई आता है, कोई सुनार आता है और आपके सोने की सामान को साफ करने के लिए बोलता है कि लाइए मैं आपका सामान साफ कर देता हूँ, तो अम्ल राज में डालकर वो आपके सामान को साफ करता है, सोने की वस्तु को साफ करता है। अगर मान लीजिए आपके हार का वजन 1 ग्राम था तो वो उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सोना इसका जो वजन है वो हल्का हो जाता है। ठीक, हल्का हो जाता है, तू समझ में आ रहा। रिक्वायर एरिया जो है 3:1 में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण है जो सोने को गला सकता है। हमने क्या बताया, 1 ग्राम सोना है आपने धुलने के लिए दिया और धुलने के बाद अगर उसका आप वजन करवाएंगे तो वो कम पाएंगे। एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि कोई व्यक्ति एक आदमी के घर पर जाता है और उससे सोने की वस्तु साफ करने के लिए लेता है और धुलने के बाद उसका वजन कम पाया जाता है, तो वह आदमी जो उस सोने की वस्तु को धुलने के लिए आया था वो किसका उपयोग कर रहा था, तो आंसर आप बोलेंगे कि वह व्यक्ति अम्लराज का उपयोग कर रहा था, इसीलिए उसका जो सोने का वजन है वो कम हो गया। तो इस तरह से आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो धातुएं हैं और अधातुएं वो अभिक्रिया कैसे करती हैं, इस पॉइंट को आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम और अच्छी कोशिश कर सकें आप लोगों को और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने के। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन जैसे हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।